लकी ब्लॉक का। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा ब्लॉक जो कि हमारी किस्मत पे डिसाइड होता है, और अगर तुम लकी हो ना तो ये तुम्हें माइनक्राफ्ट का भगवान बना सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसी ऐसी चीज है जो तुमने रियल माइनक्राफ्ट में कभी देखी भी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है तो प्लीज इस ब्लॉक को छूना ही मत, क्योंकि इस ब्लॉक को छूते ही तुम मर सकते हो। और इस ब्लॉक के पास तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि TNT फोड़ देना, चार्ज क्रीपर को स्पॉन कर देना, बहुत सारे स्केलेटन को स्पॉन कर देना, या फिर कुछ नहीं मिला तो वीथर को स्पॉन कर देता है ये। और ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, और आने वाले 100 दिन के लिए मैं यहाँ पे सर्वाइव करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं अकेला नहीं होने वाला, मेरे साथ 3 लोग और है, सबसे पहला विस्क्राफ्ट, दूसरा कॉपी और तीसरा सिद्धार्थ, और हम चारों मिलकर यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं 100 डे इन अ लकी ब्लॉक वर्ल्ड। और इस वाली वीडियो में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपने आपको पूरा डायमंड में कवर करना, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है अपने लिए एक बहुत ही एपिक सा बेस बनाना, और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है विदर और एंडर ड्रैगन को मारना। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ पे 100 डे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? और डे 1 पे हम यहाँ पे स्पून हुए थे, और यहाँ से बाहर निकलना ही भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पूरी बेडरॉक से बनी हुई थी और हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते थे। बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था कि हमें जो सामने जो बटन दिए गए हैं हमें उन पे किसी पे क्लिक करना पड़ेगा, और बहुत देर तक हमने यहाँ पे बस टाइम पास ही किया था, और टाइम पास का आइडिया सच में मेरा नहीं था। चलो लेट्स गो। ओके, कौन कौन से उसमें दरवाजे में जाना चाहेगा? एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 तक पूरे 100 में फोर्थ में जा रहा हूँ मैं। किस में जाऊँ फिर? नहीं, मेरे को सिद्धार्थ सबसे दूर दिख रहा है। उसका यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहला लकी ब्लॉक तोड़ था, और उससे मुझे कुत्ते मिले थे जो कि गिर के मर गए। पता था मरने वाले थे, क्योंकि एरिया भाई इतना छोटा है मेरा। अगला लकी ब्लॉक तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे छोटा सा घर मिल गया था जिसके मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरे हाथ में गोल्ड का नगेट भी आया था जिसका नाम कॉइन था। ऐसे इस कॉइन को हमें कहीं डालना था, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालूं। और वैसे देखा जाए तो यार मेरी किस्मत अब तक काफी ज्यादा सही थी, क्योंकि मुझे छोटा सा घर मिल गया था, यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी आ गया था। वो अलग बात है कि मुझे टूल्स नहीं थी, तो इसलिए गोल्ड का ब्लॉक किसी काम का नहीं था। जेल में डाल दिया क्या? अब तोड़ेगा कैसे? हाँ से तोड़ सकते हैं क्या एनिमल को? मेरे को ओ भाई यार तलवार गिर गई यार भाई। मेरे को डायमंड की वो मिली है। ओके नेदर में चला गया क्या? मुझे केक मिली है। ओ भाई यार सिद्धार्थ को ब्लॉक मिल गए, ये सही बात है यार। ओ भाई 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 चार्ज क्रीपर आई भाई। अरे मेरे मैं गया भाई, मैं गया। प्लीज खा ले भाई। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि भाई यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था हमें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। लकी ब्लॉक तोड़ने पे नीचे लावा में गिर जाओगे, जाइंट मॉन्स्टर आते हैं, और भाई यहाँ पर चार्ज क्रीपर वगैरह तो तुमने देख ही लिया होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वाली वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और आज की वीडियो का लाइक गेम 30,000 लाइक है, प्लीज यार करवा देना, मैं कभी कभी तो लाइक गेम रखता हूँ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हम 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। तो एंजॉय द वीडियो और कमेंट करके मुझे बता देना वीडियो कैसी लगी। लेकिन एक बात सही थी कि अगर हम लकी ब्लॉक तोड़ते हो और हमारी किस्मत अच्छी निकलती है तो हमें यहाँ पे डायमंड का पूरा आर्मर भी मिल सकता है, लेकिन वो चीज भी हमें ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ेंगे और हम मर जाएंगे तो डायमंड का आर्मर भी सारा चला जाएगा। और कुछ देर माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे हीरो विलेजर मिल गया था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लूट दे रहा था, मतलब लूट नहीं देते ट्रेड दे रहा था, पर उसके लिए मुझे डायमंड चाहिए थे, और डायमंड माइन करने के लिए मुझे कुछ पिकेक्स वगैरह चाहिए थी जिससे मैं उसे डायमंड को तोड़ सकूं। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना था ताकि यहाँ पे हीरो विलेजर आराम से रह सके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई ये नीचे ना गिर जाए। और इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से हेबेल मिल गए थे जो कि मेरे खाने पीने का जुगाड़ तो कर ही देंगे, पर अभी मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है तो मैंने भाई ब्रेड वगैरह नहीं बना सकते इनसे। और यहाँ पर मुझे लकड़ी के टूल्स वगैरह भी मिल गए थे, और यहाँ पे लकड़ी की पिकेक्स से मैंने भाई यहाँ के ग्लोबस्टोन तोड़े थे ताकि मैं यहाँ का एरिया थोड़ा बड़ा कर सकूँ। मेरे आयरन पे कोई बुरी नजर मत डालना। ओ भाई मेरा हीरो विलेज नीचे गिर गया। मेरा कुत्ता क्यों मेरा पीछा कर रहा है? और ये नीचे बीकन है। और मेरी किस्मत यहाँ पे फिर से चमकी, क्योंकि मेरे घर के नीचे भाई यहाँ पे आयरन था और यहाँ पे एक बीकन भी था। लेकिन अभी हम इसे माइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसे माइन करने के लिए हमें भाई आयरन की पिकेक्स होनी चाहिए या फिर डायमंड की पिकेक्स होनी चाहिए। उसके बाद मैं वापस से लकी ब्लॉक तोड़ने लगा था, यहाँ पे आयरन का आर्मर भी आया था पर वो सारा नीचे चला गया था। और बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे एंडर चेस्ट मिल गई थी जो कि काफी ज्यादा सही थी। वैसे यहाँ पे 2 एंडर चेस्ट आई थी, पर एक नीचे गिर गई थी और एक मेरे पास आ गई थी। और एंडर चेस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। और यहाँ पर भाई अगला ब्लॉक तोड़ती ही मुझे यहाँ पे डायमंड की पिकेक्स भी मिल गई थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन हमारी दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास एक भी ब्लॉक नहीं था। पहले मेरी इन्वेंटरी में 2-3 ब्लॉक थे, पर यार मैं उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करने वाला था, या फिर कर ही लूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कर दिया मैंने तो यहाँ पे चार्ज क्रीपर आ गया तो सारे फूट जाएंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो डायमंड की पिकेक्स आ चुके, तो मैं इन आयरन के ब्लॉक को माइन कर सकता हूँ।
लेकिन एक गलती हो गई थी कि मुझे भाई ये कलेक्ट करने नहीं आ रहे थे, मतलब पूरे इसमें मैंने बस दो ब्लॉक कलेक्ट करे थे, बाकी सारे वर्ल्ड में गिर रहे थे। उसके बाद मुझे जो भी रिसोर्स ही मिलता था मैं उसे भाई एक कोने में रख देता था, एक पाथ बना लेता था, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी और मैंने सारे अपने जो भी सामान थे खाने पीने के जो मेरे इंपॉर्टेंट सामान थे मैंने उन्हें एंडर चेस्ट में रख दिया था ताकि मैं उन्हें खोना दूँ, क्योंकि इसमें मैं कभी भी मर सकता हूँ। और मैंने डायमंड की पिकेक्स भी रख दी थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने बहुत देर तक माइनिंग करी थी, यहाँ से एक ब्लॉक को तोड़ने पर मुझे बहुत सारी एक्सी मिल गई थी जो कि मुझे नहीं पता किस काम आएगी। तो वाह, कुत्ते मर रहे हैं। किस करके किसे मर रहे हैं, किधर से गिर रहे हैं? मैं भाई गया, मैं गिर गया, मैं जो तू मर गया। ओ क्या था ये, मैं किसे पता, मेरा आइलैंड देखो। अरे कॉपी भाई, कॉपी भाई मुझे बचा लो। किसे किसे बचा, मैं निकल गया, मैं मर गया। भाई क्या है यार ये, भाई क्या है यार ये। और यहाँ पर मैं एक दो बार नहीं, यहाँ पे मैं बहुत बार मरा हूँ, पर ये सब चीज़ दिखाने में मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मैं इसलिए मैंने काट दिया। और यहाँ पे बस एक चीज़ सही थी कि मेरी डायमंड की पिकेक्स है वो अभी तक सेफ थी। और इस डायमंड की पिकेक्स से मुझे पूरा ऑब्सीडियन का जो बना हुआ ये आया ना ट्रैप जिसे मुझे मारने के लिए भेजा था इन्होंने, मुझे इसे तोड़ना है, क्योंकि मेरा लकी ब्लॉक है ना वो इसके नीचे ही है, और जब तक मैं इसे नहीं हटाऊंगा वो लकी ब्लॉक को भी माइन नहीं कर सकता मैं। और फिर पूरी रात और पूरे दिन मैंने बस यही काम किया था। हमारे पास इतना ऑब्सीडियन हो चुका था कि हम नेदर पोर्टल बना के नेदर में जा सकते थे, पर उसे जलाने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं था। कॉपी भाई, अरे डायमंड दे तो, डायमंड दे तो, ट्रेड करना यहां आके। भाई यहां ऊपर खाना पड़ा है कॉपी के छत पे। ओए मेरा है वो। ओ नहीं, भाई 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 यार क्या था, कॉपी भाई का बच्चा। और मेरा आइलैंड, ये क्या हुआ, वाह वाह क्या हुआ है भाई ये। अच्छा, और इस मैप की एक खास बात है कि यहाँ कभी भी रात हो जाती है, मतलब तुम ब्लॉक तोड़ोगे और वहाँ पे रात हो जाएगी और बहुत सारे क्रीपर वगैरह मॉन्स्टर वगैरह स्पॉन हो जाएंगे। और यही चीज़ यार इस वाले मैप को और भी ज़्यादा हार्ड बनाती है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा डे चलता है और हमें बार बार F3 दबा के देखना पड़ रहा था। और यहाँ पे लकी लोग तोड़ते तोड़ते मुझे एक बहुत ही तगड़ा ट्रेजर मिला था, सिर्फ तुम्हें ट्रेजर ही मान सकते हो क्योंकि मुझे बहुत सारे डायमंड लैपिस लूजी एंड गोल्ड वगैरह मिल गए थे, लेकिन ये किसी काम के नहीं थे क्योंकि लकड़ी तो हमें मिल ही नहीं रही और बिना लकड़ी के भाई हम टूल्स वगैरह कुछ बना नहीं सकते, और लकड़ी मिलना यार बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मैं आ चुका हूँ भाई, क्या है यार ये बताओ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, आते मर जाते हैं। ये देख राइट में तेरे, रुक जा, वो एनचेंटी टेबल, एनचेंटी टेबल। गाइस सुनो ना, गाइस सुनो ना, हां हां, भी ब्लॉक्स आएंगे ना पहले ब्लॉक्स को बीच में प्लेस करो फिर जाके। अरे अरे रुको, पहले अब कोई एक जाओ, उसके पास कुछ सामान नहीं होना चाहिए, वो बस माइन करेगा, और जितना सामान है वो हमें दे दो, हम आपका एरिया फिल करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने हीरो पोशन ले रखा था तो यहाँ पे मुझे स्पीड वगैरह मिल रखी थी, जैसे मैंने ये वाला ब्लॉक तोड़ा मुझे यहाँ पे वापस से बहुत सारे डायमंड मिल गए थे, और ये सारे डायमंड में अपनी एंडर चेस्ट में रखा था। यहाँ पे मेरे पास 26 डायमंड हो चुके थे जो कि मेरे लिए काफी थे, पर आर्मर बनाने के लिए काफी नहीं थे। वैसे आर्मर मुझे बनाने भी था क्योंकि मुझे हीरो आर्मर लेना था, और हीरो आर्मर मैं हीरो विलेजर से ले सकता था तो मुझे उसे ही प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था क्योंकि यहाँ पे मैं जिंदा नहीं रह पा रहा, तो वो कहाँ से जिंदा रह पाएगा यार, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता कौन से ब्लॉक से क्या निकलने वाला है। और यहाँ पे तो हमें एक और चमत्कार देखोगे क्योंकि यहाँ पर विदर स्पून हो जाता है, और वो मैं नहीं करता, वो विस्क्राफ्ट करता है, तुम खुद देखो क्या हुआ था। गेम खत्म हो गया, किसने स्पून किया भाई, मैंने लकी ब्लॉक तोड़ा, विदर आ गया भाई, तो गया भाई, क्या करेंगे, गया गए 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 और ये आइडिया हमारा काम भी कर रहा था, क्योंकि अगर हम भी स्पॉन नहीं होंगे तो वो भाई यहाँ पे आएगा नहीं और वो वर्ल्ड में जाके गिर जाएगा, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि सीड का जो स्पॉन पॉइंट है वो वहीं है, वो मरने के बाद वहाँ पे स्पॉन हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि सिड को थोड़ी देर सर्वर लीव करने के लिए कहते हैं, और सिड फिर सर्वर लीव करके चला गया था, और जब तक ये डिस्पोन नहीं होता, क्योंकि हम सब इधर थे और ये विदर उधर था, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप डिस्पोन हो जाएगा अगर हम इसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन हम सब में से यार कॉपी भाई की किस्मत सबसे बढ़िया है, क्योंकि उन्हें भाई यहाँ पे डेजर्ट पिरामिड मिल गया था, और रहने के लिए अच्छी खासी जगह है यार, विदर है बाहर तो यहाँ पे छुप सकते हैं हम, और एक तरफ मैं हूँ
जिसके पास एक घर तक भी नहीं है, घर तो छोड़ो यार, पिकेक्स थी वो भी गिर गई यार मेरी वॉइड में, वो कुछ भी नहीं यार, गोल्ड की तलवार से काम चला रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कॉपी भाई के घर में चलती है, और कॉपी भाई के घर जाने के बाद मुझे पता चला कि कॉपी भाई के पास लावा की बकेट है और मेरे पास पानी की बकेट है, और अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें अनलिमिटेड क्लोबरस्टोन मिल जाएगा, और क्लोबरस्टोन से हम इस पूरे एरिया को फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम गिरेंगे भी नहीं। और ये चीज हमें कई दिन बाद पता चल रही है। उसके बाद हमने बस फटाफट से एक छोटा सा बेस बनाया, वहाँ पे एक क्लोबरस्टोन की फैक्ट्री बना दी थी, मतलब फैक्ट्री तो नहीं, मतलब क्लोबरस्टोन हमें चाहिए थे बस जैसे तैसे मिल जाए, और यहाँ पे हमने फाइनली क्लोबरस्टोन लेना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे विदर भी हमारा डिस्पोन हो चुका था, और सिड ने यहाँ पे हीरो पोशन पी रखा था तो वो बहुत तेज माइंड कर सकता था, तो ये हमारे लिए काफी सही बात है। और हीरो पोशन यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमारे पास बहुत सारे थे, मेरे पास खुद तीन थे, मतलब तीन ज्यादा तो नहीं होते पर हाँ इनफ थे यार। 8 मिनट है अभी भी किस चीज में टूट गया पूरा एक ब्लॉक भी नहीं बचा। और अगले कुछ दिनों तक बस हमने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहा था, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे घर भी बनाना था और हमें भाई गिरने का डर भी लग रहा था, तो इसलिए हमने भाई यही किया था। और उसके बाद मैं चला गया था माइनिंग के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बारी बारी से माइन कर रहे थे, कभी मैं कर लेता था, कभी कॉपी, कभी विश, कभी सिद्धार्थ, और ऐसे ही हम धीरे धीरे करते हुए अपना प्लेटफॉर्म को बड़ा करते चले गए थे। पानी घोड़ा वॉरियर ये सही था भाई। मुझे सच में ऐसा लगा यार, मुझे भी ये घोड़ा वो पैर उठा उठा के मार रहा है। और यहाँ पे विश के पास लकी पोशन थे, तो उसने हमें सबको बुलाया और यहाँ पे बीच में मार दिया था, जिससे कि हमें स्पीड पोशन, हेल्थ बूस्ट वगैरह सब मिल गई थी। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी यार, हमें ऐसी चीज़ मिलती रहती है, साथ के साथ यहाँ पे अनलकी पोशन मिलते हैं जिससे कि हम इंस्टेंट मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। और रात होती ही हम यहाँ पे सो गए थे, क्योंकि कॉपी भाई ने यहाँ पे हमारे लिए बेड बना दिए थे। हमारे पास वुल तो आ गई थी पर लकड़ी भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी, और यहाँ पे हमारा एरिया भी काफी अच्छा खासा बड़ा हो चुका था, और मेरे पास यहाँ पे लकी पोशन थे, तो मैंने इन सबको बुला लिया, चलो भाई जो लकी पोशन है, क्योंकि इनसे जो इफेक्ट मिलेगा ना वो हम चारों को मिलेगा, और ये काफी ज्यादा सही रहता है यार। और लकी पोशन से सिर्फ हमें इफेक्ट वगैरह भी नहीं मिलती, इनसे हमें डायमंड की सोर्ड वगैरह कुछ भी चीज मिल सकती है रैंडमली, वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर बात है तुम कितने लकी हो, और मैं तो कभी इतना लकी हुआ नहीं। वो थोड़ा महंगा पड़ेगा यार, क्या मेरी क्या भर रहे हो, मैं सामान पैक रहा हूँ। ये लो मेरी इन्वेंटरी, आओ इधर आओ, साफ सफाई में 1 2 3 सारे ले लिया, वो एक मिला एक मिला। ए मेरा घोड़ा वापस आ गया, लेट्स गो। अरे किधर है तेरा घोड़ा, वापस आ, ए चूमा तो उसको बड़ा छोड़ दे रहा, जा दे जा दे, देख क्या ये क्या हो गए। अरे ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, क्या मेरे फालतू है क्या ये? चलो चलो हाँ, इन्हें गाजर खाना पड़ेगा। देखो और उन खरगोशों पे अत्याचार करने के बाद मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने एक लकी ब्रुक तोड़ा था और मैं एक केज में बंद हो गया था, उसके ऊपर से लावा आ रहा था, और मैं लावा से आसानी से निकल सकता था, क्योंकि जो कोलोस्टोन हमारा जनरेटर है उसके पास पानी था, लेकिन जब मैं वहां पे गया मुझे पता चला यहाँ पे पानी ही नहीं है। अरे पानी कहाँ से, पानी किसने ले लिया भैया का भाई, अरे मुझे लगा पानी वापिस आओ मेरी लूट, प्यारी लूट। ये किसने लूटा यार, सर बताओ। मैं भाई। अरे यार मतलब किसने क्या। और यहाँ पे विश के पास लकी पोशन थे और उससे बड़ी कमाल की चीज हुई थी भाई, वो तुम खुद देखो, तुम गायब वो ये क्या हुआ। हाँ मैं भी गायब हो गया, सब गायब है, तुम लोग गायब हो गए। नाइट विजन वगैरह भाई क्या क्या चीजें मिल रखी है यार, धुआं कितना इतना, ये क्या बना रहा है सिड्डू, फैक्ट्री बनेगी छोटी सी। अरे भाई हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। अरे कॉपी भाई आप दिख नहीं रहे बिल्कुल भी, अच्छा
मुझे ये एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पे कौन कोई था दिख रहा है, ये कौन है पता नहीं कौन है, कॉपी भाई ओ नहीं पानी चाहिएगा कॉपी भाई ये सब चीज नहीं ओके मेरे को लगा कि मैं मारना तो है मैं भी आता हूँ पता नहीं कौन बोल रहा है कोई तो है मेरे पास ओ तलवार नहीं भाई तलवार नहीं तलवार ऐसे हाथ कौन मरा विस पोशन कोई भाई कहो कोई भग रहा हाथ से तो तीन हटना ही जाते अरे हाथ में हाथ ही हूँ नहीं यार तो मैंने मारा देखो इन सब चीजों में मजा तो काफी आता है लेकिन हमें अपने मेन मकसद से नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद हम वापस अपनी मजदूरी पे लग चुके थे कि हमें ये पूरा एरिया प्लेन करना था। ओसिड और कॉपी ने भाई नेदर पोर्टल ही बना दिया था। अरे यहाँ पे लगती है एक ब्लॉक नीचे रखती है एक ब्लॉक नीचे लगता वही तो मैं कर रहा था। और फाइनली अब हम नेदर में भी जा सकते थे। और नेदर हम बस दो ही वजह से जा रहे थे, एक तो पहला वुड था और दूसरा क्वार्ट्ज था, क्योंकि हम जो घर बनाने वाले हैं वो क्वार्ट्ज से बनाने वाले हैं और उस घर को बनाने में यार हमारी काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। लकी पसंद कम ऑन चलो लेट्स गो बड़े चलो लकी पसंद गाइस मैं तो बोलता हूं अब एंड पोर्टल जमा करो चलो ओ कॉपी भाई कहाँ पहले कॉपी भाई को पीटते हैं नहीं लगा था इतना भी भाई अनलकी पोर्शन भाई और तभी हमारे साथ एक और हादसा हुआ था। एक्चुअली इस बार मैंने विदर को स्पॉन कर दिया था और मेरे पास भाई डायमंड की देखो पिकेक्स थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वैसे तो मेरे पास एक और डायमंड की पिकेक्स थी पर मैं सोचता था देखो अगर वो भी खो गई और ये भी खो गई तो मैं किसी काम का नहीं रहूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई एक पिकेक्स तो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या काम करा, मेरे पास यहाँ पे एंडर चेस्ट थी तो मैंने सोचा भाई इसे एंडर चेस्ट में डाल देते हैं और मैं मर गया तो कोई ज़्यादा वो बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। जिसमें यहाँ पे डाला और मैं एकदम मर गया था क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं थी, बस हाँ थोड़ा बहुत खाना था और खाना तो हम वापस मिल जाएगा और मैं बस सो गया था क्योंकि ये विदर अब विष के पीछे पड़ गया था और कॉपी भाई वगैरह सब भाग रहे थे। और फिर इसे डिस्पोन करने के लिए हमने वापस से वो ट्रिक आजमाई, हम सब सर्वर से लीव हो गए थे और जब हम वापस ज्वाइन हुए तो वापस से डिस्पोन हो चुका था। और यहाँ पे सिटी के पास बहुत सारी वुड मिल गई थी इसे, तो ये सारी वुड मुझे दे दिया था और ये वापस चले गया था क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा लूट थी। तो ये कह रहा है मैं उन लूट को भी लेकर आऊँगा, पर ये वहाँ गया और वहाँ पर मर गया। मतलब मैंने इसे कहा था कि मेरे साथ आ जा पर नहीं आया वो। देखो मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने उसे सच में मना किया था कि वहाँ पे मत जा, सच में ओ भाई वो सुअर को बिजली पड़ी और वो सारे वो बन गए बीच में भाई विलेजर बीच बन गई और वो सारे ज़ॉम्बी फाइट पिघले। हाँ उसको लिवर को दबाओ अंदर बढ़ जाओ। अरे बाहर आओ, पता नहीं है लकी है अंदर की है। भारा हो TNT फूट सकते हैं पता था। और बीच में तो यहाँ पे विदर आया था क्या, ये नीचे वाली स्लैब टूटती नहीं है क्या? नहीं। ये कौन खा रहा है बे? जेड। ओ गेंटी फोड़ दूंगा। फोड़ गेंटी मेरी फोड़। लीवर भी है मेरे पे। हाँ फोड़ दो। एक तो फोड़ दूंगा भाई तोड़ दिया। और उस सब के बाद मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना रहा था ताकि हम यार नीचे ना गिर पाए, क्योंकि जब विदर आता है ना तो भाई हमें सबको भागना पड़ता है और हम कई बार ऐसा होता है मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं। और उन दो तीन दिन में हमने अपना पूरा प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट कर दिया था और हमने भाई बिल्कुल भी लकी ब्लॉक नहीं तोड़ी थी, क्योंकि हमें पता चल गया था देखो लकी ब्लॉक तोड़ना
भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि फूड वगैरह भी हमें लकी ब्लॉक से काफ़ी सारा मिल चुका है। हमें लकी ब्लॉक से बस दो तीन चीज़ें चाहिए थी। सबसे पहले हमें एंड का फ्रेम चाहिए था ताकि हम एंडर ड्रैगन को मार सकें, और विदर स्कल चाहिए थे, और हमें कुछ ब्लेज रोड वगैरह चाहिए थी, क्योंकि बाकी सब तो हमारे पास है। अगर हमें लकी हुए तो हमें हीरो आर्मर मिल सकता है। हीरो आर्मर मुझे मिला था, पर भाई दो सेकेंड के लिए मिला था। मैंने हीरो आर्मर मतलब जैसे आया मैंने पहना और अगला ब्लॉक मैंने तोड़ा तो भाई मैं लावा में गिर गया। मतलब इससे गंदी किस्मत किसी की हो सकती है क्या यार। और उसके बाद हम भाई लग गए नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के लिए, क्योंकि हमें जाना था नेदर में। नेदर से हमें लकड़ियाँ लानी थी बहुत सारी ताकि हम अपने घर को कंप्लीट कर सकें। मतलब अभी बनाना शुरू भी नहीं किया, मतलब बनाएंगे और काफ़ी तगड़ा बनाएंगे। और इस पोर्टल को जलाने के लिए भाई हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा था। फाइनली अगली सुबह को हो गया था ये, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड ट्राई करे पर किसी से हुआ नहीं था। ये लावा हमें चाहिए था, ये भी इसने पानी डाल दिया था, नहीं कॉपी ने पानी डाल दिया था हाँ, और इसे ऑब्सीडियन बना दिया था। वैसे लावा तो हम अब वहाँ से ला सकते थे, और सीड उस कॉपी को मार रहा था, इसी वजह से मार रहा था क्योंकि उसने उस लावा को ऑब्सीडियन बना दिया। और देखो नेदर में भी हमारी किस्मत इतनी कुछ ज़्यादा खास निकली नहीं, क्योंकि नेदर में भी हम एक बड़ी गंदी सी जगह पे स्पॉन हुए। सामने लकी ब्लॉक था और उसमें से हमें हीरो विलेजर मिल गया था जो कि जल के मर गया। और यहाँ पे मैं अपनी कुछ ड्रीम की प्रो स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझसे तो हुई नहीं यार। और मुझसे तो छोड़ो यार, कॉपी भाई से भी नहीं हुई, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं नीचे जाऊँगा, मैं ये स्लाइम के ब्लॉक रख दूंगा और मैं बचाऊंगा, ठीक है। और अब कॉपी भाई भी ऊपर से कूदेंगे, और कॉपी भाई के लिए मैंने ब्लॉक लगा रखा था, कॉपी बस कूदना था, वे भी गलत ब्लॉक पे कूदे भाई। और पास ही में हमें क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल गया था। वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता, क्रिम्सन होता है पता है, कुछ ऐसा सा नाम होता है देखो इसका। और इतने सारे पेड़ देखने के बाद हम वापस अपनी गरीबों वाली फॉर्म में आ चुके थे। और यहाँ पे मेरे पास देखो एक्स नहीं थी, तो मैं अपने हाथों से तोड़ रहा था लकड़ियाँ, मेरे से जितनी टूटी मैंने उतनी तोड़ी, और उन दोनों के पीछे गाछ पड़ गई थी। वैसे मैं सोचा था मेरे पास वो है, मैंने मार दूँ, पर फिर हमने सोचा भाई घर ही चलते हैं, क्योंकि इतनी सारी लकड़ियाँ हम करेंगे क्या, हमें जितनी चाहिए थी हमने उतनी ले ली। और यहाँ से मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मी भी बना लिया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे डायमंड थे, मेरे पास एक स्टैक अभी मेरी एंडर चेस्ट में भी रखे थे। अमीरी देख रहे हो मेरी, मतलब मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, पर फिर मैं डायमंड का आर्मर बना के बैठा हूँ, क्योंकि देखो ये लकी ब्लॉक नहीं है, ये एक श्रापित लकी ब्लॉक है, और ये ज़्यादातर चार्ज में मारते ही, ये कुछ अच्छी चीज़ देता ही नहीं है, बहुत कम चीज़ है जिसने मुझे अच्छी दी है। बाकी मैं तो टाइम भाई कभी TNT चार्ज करी, पर भाई ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा। और यहाँ पे तो हमने अपने बेस तबाह कर लिया था, क्योंकि हुआ क्या था कि हम सब एक दूसरे से मजे ले रहे थे, क्योंकि इसके पास सिद्धार्थ के पास लकी बो था, मतलब नाम का लकी बो था, इससे असल में अनलकी एरो निकलते थे, और मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कि तुम्हें लकी पोर्शन मिल जाएगा। और हम वापस से नेदर चले गए थे इस उम्मीद में कि हम वहाँ से कुछ अच्छा एक्सप्लोर करेंगे इस वर्ल्ड को, मतलब फोर्ट्रेस वगैरह बेस्टन वगैरह लूटेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक लकी ब्लॉक वर्ल्ड है, और हमें सारी चीज़ें यहाँ से लकी ब्लॉक से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर स्पॉन ही नहीं हुए जहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं। मतलब हमें जो भी चीज़ें लेनी है, मतलब विदर का स्कल वगैरह लेना, वो हमें लकी ब्लॉक से लेना पड़ेगा, हमें लकी ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, उससे विदर स्कल को लेना पड़ेगा, या फिर उससे विदर को स्पॉन करवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में चला गया था, और ओवरवर्ल्ड में जाके हमें अपना घर बनाना था। और घर में एक दिक्कत हो गई थी कि इस बार इस वाली वीडियो में भाई रीप्ले मोड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस वर्जन में हमारा लकी ब्लॉक था उस वर्जन में रीप्ले मोड बना ही नहीं था। और ये चीज़ हमने बाद में देखी थी जब हमने आधी वीडियो कंप्लीट कर ली थी, तो इस वाली वीडियो में तुम्हें रीप्ले मोड का कोई सीन नहीं देखने को मिलेगा। और जो हमारा घर है ये भी हम तुम्हें कुछ वैसी फोटोज दिखा देंगे, हम थोड़ा थोड़ा बनाते चले जाएंगे, तो बताता चले जाऊंगा मैं। उसके बाद मैं वापस अपनी मजदूरी पे लग गया था, क्योंकि मैं बहुत देर से कुछ काम नहीं कर रहा था, वैसे घूमे जा रहा था। तो हमारा जो आइडिया था घर बनाने का, वो कुछ ऐसा था कि हम सर्कल बनाते चले जाएंगे, और हर सर्कल में एक अलग अलग चीज़ें रख देंगे, मतलब जैसे एक में स्टोरेज रूम रख दिया, एक में एंचेंटेड रूम रख दिया, तो कुछ ऐसे तरीके से हमारा वो था। और मेरा काम था कि इस सर्कल को फिल करना, विस सर्कल बना रहा था और मैं इस सर्कल को फिल कर रहा था। और मेरा इतना हार्डवर्क देख के इन्होंने मुझे प्रमोशन दे दिया, मैं मजदूर से ठेकेदार बन चुका हूँ, अब मैं सर्कल फिल ही नहीं करता, अब मैं सर्कल बनाता भी हूँ। देख रहा हूँ कितनी तरक्की हो रही है मेरी यहाँ पर, मतलब अब करना है, मतलब रहना है सर्वर में तो काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सर्कल वगैरह बनाने लगा था, और विच लगा था नीचे की तरफ, क्योंकि उसे स्टोरेज सिस्टम का वो डिज़ाइन बनाना था, तो वो नीचे डिज़ाइन बना रहा है और मैं ऊपर सर्कल बना रहा था। वैसे अब यहाँ पे दो सर्कल और बनेंगे जो कि ऐसे आएंगे, मतलब सर्कल में चलेगा सर्कल, ठीक है, तुम समझ जाओ यार जो मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर तुम हमारा मास्टरपीस देखने वाले हो, जो कि हमारा स्टोरेज रूम बन के तैयार हो गया। मतलब थोड़ा सा काम बच रहा है, क्योंकि जो बीच का तुम एरिया देख रहे हो जहाँ पे खाली है, वहाँ पे पानी डलेगा, और इसे भी हम जल्दी करेंगे, जो कि दिखने में काफ़ी तगड़ा लग रहा है। वैसे अभी यही बना है, क्योंकि उसके ऊपर हम एंचेंटेड रूम बनाएंगे, उसके ऊपर हमारा बीकन रखा जाएगा, उसके ऊपर हमारा सोने का अंजाम होगा, और उससे ऊपर हमारे सारे पोर्टल वगैरह बनेंगे। तो तुम देख रहे हो कितनी ज़्यादा मास्टर प्लानिंग करी है हमने। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ गया था, क्योंकि मुझे ये सारा बीकन हटाना था, क्योंकि ये बीकन चल नहीं रहा था, क्योंकि इसके ऊपर हमने वो सर्कल बना देते ना, हमारा घर आ रहा था, तो इस वजह से तो हमने सोचा कि इसे अब ऊपर शिफ्ट करते हैं। और हम इसे पूरा गोल्ड का बनाने वाले थे, क्योंकि गोल्ड का नाम भाई स्टेटस में भाई साइन भी तगड़ा कर रहा था, और ये दिखने भी काफी ज्यादा तगड़ा लगेगा। और उसके बाद हम सारा गोल्ड लेके ऊपर की तरफ आ चुके थे, हमारी इन्वेंटरी में और भी ज्यादा गोल्ड पड़ा था, मेरी चेस्ट में पड़ा था, तो हमने वहां से भी कुछ सब ब्लॉक उठा लिए थे। और यहाँ पे एक बिल्ली भी थी भाई, निकल नहीं रही थी, तो हमें उसे मारना ही पड़ा, निकल नहीं रही थी, बहुत ट्राई करा हमने।
सच में मैंने बहुत ट्राई करा, हाँ भाई नहीं निकल रही थी, तुम्हें मार दिया उसे। लेकिन क्या तुमने इस वीडियो को लाइक करने का ट्राई किया? प्लीज यार कर दो अगर नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार इस घर को बनाने में यार काफी ज्यादा हमारी मेहनत लगी है, सबसे ज्यादा मेहनत यार विश की लगी है, मतलब हम सब में से। तो प्लीज यार विश का चैनल भी चेकआउट करना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम विश कार्ड लिख सकते हो, आ जाएगा टोपी आता बंदा। और उसके बाद मैं वापस अपनी दिहाड़ी पे लग चुका था, जी हाँ। और नीचे की देखो हमने बहुत सारा डिजाइन बनाया था, ये सारा विश ने बनाया था, थोड़ा बहुत मैंने मेरी मजदूरी है भाई इसमें, क्योंकि ये जो विश ने पिलर बनाए थे और ये सारा डिजाइन मैंने बनाया है। मैं भी तरक्की भी चल रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा मैं बिल्डिंग सीख रहा हूँ, मैं अच्छी खासी बिल्ड्स बना लेता हूँ अब, सच में मजाक नहीं कर रहा यार, मैं सच में बना लेता हूँ। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ हमारा हाउस टूर, मतलब ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्ड किया ये वाली क्लिप डिलीट हो गई थी। तो ये हमारा स्टोरेज सिस्टम है, और हमने नीचे पानी में डाल दिया था, तो हम पहले सोच रहे थे स्विमिंग पूल बनाने की, पर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। और आगे चलने के बाद तुम्हें हमारे यहाँ पे एन्चेंटेड टेबल मिलेगा, जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें जो भी चीज़ मिलती है वो एन्चेंटेड वाली होती है। यहाँ पे बीकन है, ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने इससे कुछ चीज़ मांगी नहीं है यार, स्पीड वगैरह कुछ तो मांग लेते हम। और ये हमें सोने का है, जो कि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, क्योंकि सब निजी सो जाते हैं, और ये भी किसी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ बनाई है ना, हम बस मतलब बहुत कम चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि यार कौन ऊपर आएगा यार इतने, क्योंकि हम ज़्यादातर सब नीचे ही ले लेते हैं। और ये हमारा आर्मर स्टैंड है, हमारे पास बहुत सारे डायमंड वगैरह हो गए थे, तुम मेरे हाथ में खुद देख सकते हो, 40 डायमंड मेरे पास अभी भी है। तो हमने सोचा भाई ये जो टूटे हुए आर्मर है जिनकी हेल्थ कम है, उन्हें यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लगेगा। और इन चेस्ट में भी कुछ भी नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों हमने बनाया, पर हाँ हमें सर्वाइव करने 10 दिन कैसे बिताने थे, तो हमने सोचा भाई घर ही बना देते हैं। और घर भाई काफी खतरनाक, देखो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा है, दिखने में कोई कोई नहीं कहेगा, पर हाँ वो हम यूज नहीं करते, ये अलग बात है। और उसके बाद मैं चला गया था ब्लॉक माइन करने, क्योंकि हमें अभी एंड फ्रेम चाहिए थे, और एंड फ्रेम अभी सिटी के पास थे थोड़े बहुत, अभी हमें 2 एंड फ्रेम और चाहिए थे। तो उन 2 एंड फ्रेम को कलेक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि भाई मैं माइनिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पर भाई गिरने के चांसेस थे, तो मैंने यहाँ पे एक रास्ता बना दिया था कि मैं गिरूँ ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है? नहीं भाई, क्योंकि अगले ब्लॉक में मैं मर गया था। मैंने इतनी यार मेहनत करी, इतने सारे ब्लॉक वगैरह लगाए, कहा कि मैं गिरूँ ना, अपनी पूरी प्रोटेक्शन करी, पर नहीं होता भाई, यहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। और अगर तुम्हें ये वाला मैप चाहिए तो वो मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहाँ से जाके ले सकते हो। बना बना जल्दी भाई, स्किल होती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें सारे एंड फ्रेम मिल गए थे, मतलब मुझे तो नहीं मिले थे। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने भाई सारे एंड फ्रेम लगे यहाँ पे लगा के, उस वहाँ पे आई ऑफ द एंटर लगा दी थी, और यहाँ पे हमारा पोर्टल रेडी हो चुका था। अब बस हमें एंडर ड्रैगन को मारना था और विदर को मारना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90 डे चल रही है, और बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पे सारे डे खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बड़ी वाहियात जगह पे स्पॉन हुए थे यार, मतलब ना तो हम ऊपर हैं ना ही हम नीचे हैं, बिल्कुल बीचों बीच स्पॉन हो गए थे। वो तो अच्छी बात है कि मैं भाई पिकैक्स लाया था और मैं वहाँ से निकल गया था, बाहर आती मुझे यहाँ पे लकी ब्लॉक दिखा था, वहाँ से कुत्ते निकल गए थे, और ये कुत्ते काफी कर रहे थे मेरे, क्योंकि जब मेरे पीछे एंडरमैन पड़ जाता था तो भाई ये उसे मार देते थे। तो ये चीज ना काफी सही थी भाई, अब से मैं कुत्ते लाया करूंगा यार यहाँ पर। और हम सबसे एक और गलती हो गई थी कि हम सब में से कोई भी तलवार नहीं लाया था, मतलब हमें इसे अब हाथों से मारना पड़ेगा एंडर ड्रैगन को। तो फिर हम इसे हाथों से मारने लगे, और बाद में पता चला कि हमने भाई क्रिस्टल तो फोड़े नहीं थे, उसके बाद हम चले गए थे भाई क्रिस्टल को फोड़ने। और यहाँ पे ये देखो भाई, एंडरमैन जब मुझे मारता था तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे यार इसके, और ये चीज काफी सही थी भाई ये। उसके बाद हम वापस से एंडर ड्रैगन को मारने में लग गए थे, और यहाँ पे मैं एरो मार रहा था, मुझे नहीं पता देखो मेरे सारे एरो कैसे लग रहे थे परफेक्टली, मैंने लगातार 5-6 एरो मारे और सारे लगातार एकदम टक 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 लगते चले गए। इसकी हेल्थ काफी सही जा रही थी, क्योंकि मैं लकी बो से मार रहा था, और लकी बो कभी कभी इसे हार्मलेस पोशन भी दे देता, मतलब डैमेज का पोशन दे दिया, स्लो पोशन दे दिया, तो ऐसे ऐसे पोशन दे देता है। और फाइनली यहाँ पे हमने इस ड्रैगन को मार दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ से सारी एक्सपी भी ले ली थी, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपी मैंने लूटी थी। प्रोफेशनलिज्म देख लो मेरा कितना तगड़ा है। कोई नहीं कहेगा मैं भंडारे में खाना लूटता था। और यहाँ पे हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा कर लिया था, वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था विदर को मारना, लेकिन विदर को मारने से पहले हमें इलाइटर लाना था, इलाइटर हम एंड सिटी से जाके लाएंगे। पर वहाँ पे मैं भूल चुका था कि यहाँ पे एंड सिटी स्पोन ही नहीं होती, क्योंकि तुमने देखा होगा कि नेदर में भी एक भी बेशन स्पोन नहीं हुई थी, ना कोई फोर्ट्रेस स्पोन हुई थी, क्योंकि वहाँ से हमें सारी चीज़ लकी ब्लॉक से लेनी पड़ती है। और इलाइट्रा का मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होता है, मतलब 0.04% चांस होते हैं कि तुम्हें इलाइट्रा मिल जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ थी कि हमें लकी ब्लॉक से इलाइट्रा मिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हें मिला हो ना, तुम भगवान हो भाई, क्योंकि पूरी वीडियो में यार मैंने काफ़ी सारे लकी ब्लॉक तोड़े हैं और मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला, और मुझे तो छोड़ो यार बाकी लोगों को भी नहीं मिला। तो यहाँ से हमने सोचा कि भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंडरमैन भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और उसके बाद हम वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ चुके थे, और अब बस हमारा एक और ऑब्जेक्ट बच रहा था, वो था विदर को हराना। और मेरे पास एक स्कल था तो, और एक विश के पास था, और एक से सिद्धार्थ या कॉपी के पास था, इन दोनों में से किसी के पास था। और उसके बाद हम चले गए थे नेदर में, क्योंकि हम इसे यहाँ पे स्पॉन नहीं करने वाले थे, क्योंकि भाई हमारा घर इतना प्यारा घर है यार, ये सारा फोड़ देगा यहाँ पे विदर को हमने स्पॉन कर दिया,
तो हमने सोचा कि भाई नेदर जाते हैं, और नेदर में जाके करते हैं। यहाँ पे एक घोड़ा भी आ गया था जो कि अपने आप चला गया यार, इसे पता है समंदर घोड़ा है। यहाँ पे एक और घोड़ा था, ये नहीं जा पाया तो हमने इसे मार दिया। देखो तुम्हें भी यार ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अब बेचारा देखो यहाँ पे रहेगा तो लावा में मर जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा इसे पहले मार देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लेन सी जगह देख के वहाँ पे विदर को स्पून कर दिया था। हम चाहते थे तो इस विदर को एंड में भी जाके मार सकते थे, पर वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती, तो हमने सोचा भाई नेदर में जाके मार दिया, वो थोड़ा हार्ड सा होएगा। और यहाँ पे भाई ये स्पून हो चुके थे, यहाँ पे हम भाई गोल्डन एपल खा रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ थी वो सब मेरी वॉइड में गिर गई थी। बस मेरे पास गोल्डन एपल बचे थे जो मेरे एंडर चेस्ट में रखे थे, और यहाँ से हम इसे एरो मार रहे थे। और इन एरो का भाई वो भी डैमेज भी काफ़ी तगड़ा था यार, मैंने 3-4 एरो मारे नीचे आ गया, वो अलग बात है कि बाकी लोग भी मार रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस हील करके ऊपर चला गया। और जैसे मैंने तलवार निकाली फिर मैंने वापस बो से मारने शुरू कर दिया, तो वापस नीचे आ गया था। और तलवार से तो भाई हमने से कुत्तों की तरह चढ़ गए थे भाई, हमने 2-3 मिनट में, मैं 2-3 मिनट तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब 15 सेकंड में ही मर गया था। और यहाँ पे विष तो भाई ऐसा लग रहा था स्केलेटनों में, कभी कभी तो मैं सोचा भाई इसे ही ना मार दूँ। और उसके बाद हमने वहाँ से विदर स्टार्ट लिया और हम वापस अपने ओवर वर्ल्ड में आ चुके थे। और बस फाइनली यहाँ पे हमारा सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने सारा जो हमारे इन्वेंटरी में कूड़ा वगैरह था हमने सारा यहाँ फेंक दिया था, और यहाँ पर हमारे 100 डे कंप्लीट होते हैं। और सच में यार इस वाली वीडियो को बनाने में काफी मजा आया, हमारा बिल्ड भी काफी एपिक सा बना था। और अगर तुम्हें भी हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कुछ नई नई टॉपिक हो तो प्लीज हमें बता देना कि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट से पूछा था कि आप लकी ब्लॉग चाहते हो, तो बहुत लोगों ने कहा था कि हाँ बनाओ, तो हमने बना दिया। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।